हेलो फ्रेंड्स, केपी टेक्निकल बॉस चैनल में एक बार फिर से आपका स्वागत है। और आज के वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि मीशो में बैंक अकाउंट ऐड या रिमूव कैसे करते हैं, उसका पूरा प्रोसेस क्या है। वीडियो पे बने रहिए, वीडियो को एंड तक देखिए। अगर आप हमारे चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए। चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। वीडियो को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूँ कि आपके पास एक मीशो का एप्लीकेशन होना चाहिए, जो कि आपके पास अगर नहीं हो तो आप उसको प्ले स्टोर से डाउनलोड कर सकते हैं, और डाउनलोड करने के बाद आप बैंक अकाउंट उस पर ऐड कर सकते हैं। क्योंकि मेरे पास पहले से मीशो का एप्लीकेशन है, तो मैं यहाँ पे आपको बता दूँ कि यहाँ पे मीशो के एप्लीकेशन पे यहाँ पे आना है और इसको ओपन कर देना है। ओपन करने के बाद देखिए, एक नीचे के जो ये लास्ट वाला जो ऑप्शन दिख रहा है 1 2 3 4, ये 5 वाला जो ऑप्शन है, यहाँ पर अपने को यहाँ पर टैप कर देना है। कुछ टाइम में कैसा होता है कि अपन कोई ऑर्डर कर देते हैं और अपन ऑर्डर को कैंसिल करते हैं, कैंसिल करने की, क्योंकि ऑर्डर तो पेड ऑर्डर रहता है, तो पेड ऑर्डर रहता है, तो उस पर अपन जो भी आइटम रिटर्न करते हैं तो रिटर्न का जो बैलेंस रहता है, जैसे रिटर्न का जो पैसा है वो अपने को कैसे मिले, वो डायरेक्ट बैंक अकाउंट में आता है। जैसे कि कोई अपने कोई मतलब शूज़ वगैरह मंगा दिए तो वो अपने को अच्छे नहीं लगे तो उसको अपन ने कैंसिल कर दिए, तो कैंसिल वाला डिलीवरी बॉय वो अपने कैंसिल आइटम रिटर्न लेके जाता है और उसके बाद में जो भी अपना अमाउंट है वो अपना बैंक अकाउंट में उसको ट्रांसफ़र कर देता है। तो उस सिचुएशन में क्या होता है, अपने पास एक बैंक अकाउंट लिंक होना चाहिए। तो अभी मैं आपको बता दूँ कि बैंक अकाउंट कैसे लिंक करते हैं, या अगर आपको कोई अकाउंट रिमूव करना है तो वो भी कैसे कर सकते हैं। तो देखिए, यहाँ पे माई अकाउंट पे आने के बाद देखिए, ये जो एक माई अकाउंट एंड UPI डिटेल, इस पर आपने को यहाँ पे क्लिक कर देना है। क्लिक करने के बाद देखिए, मेरे पास भी मेरा एक अकाउंट यहाँ पे ऐड किया हुआ है, और अपन वहाँ पे अगर आपको अकाउंट रखना है ये वाला तो ठीक है, नहीं अपन वहाँ पे उसको चेंज कर देते हैं। चेंज करने के बाद देखिए, एक इस टाइप का एक इंटरफेस ओपन होगा, इस टाइप का इंटरफेस ओपन होगा, तो इसमें अपने को यहाँ पे IFS कोड, अकाउंट नंबर, कन्फर्म अकाउंट नंबर और होल्डर नेम डाल के यहाँ पे इसको अपने को यहाँ पे सबमिट कर देना है। और अगर आपको कोई अगले बैंक अकाउंट नहीं चाहिए तो वो पहले वाला अकाउंट चेंज में जाके यहाँ पे उसको ब्लैंक छोड़ देना है और अपना अकाउंट यहाँ से रिमूव हो जाएगा। आज के वीडियो में इतना ही। अगर वीडियो अच्छा लगा तो चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, क्योंकि आपका भाई ऐसे ही अच्छे नए नए वीडियो लाते रहता है। तब तक के लिए थैंक यू।